हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो X100 प्रो फ़ोन है, तो वीवो X100 प्रो फ़ोन की फ़ाइल ऑप्शन से जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन में फ़ाइल ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं एंड आप कैसे अपने फ़ोन में फ़ाइल ऑप्शंस का यूज़ कैसे कर पाएंगे और फोटोज़ एंड वीडियोस को कैसे आप हाइड कर सकते हैं एंड आप किसी भी प्राइवेट फ़ोटो एंड वीडियोस को कैसे छिपा सकते हैं अपने फ़ाइल ऑप्शंस में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोटो वीडियोस को हाइड कैसे करें और कैसे छिपाएँ, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन सब बन जाएंगे, जिसमें से आपको फाइल गैलरी पे जाना है और फाइल गैलरी पे जाकर आपके फाइल ऑप्शन से ओपन हो जाएगा, जिस पे जाकर आप फोटोज़ एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं ना, फोटोज़ को छिपा सकते हैं फाइल्स में एंड आप इमेज पे जाकर देखते हैं कि इमेज की सेटिंग्स भी ओपन हो जाती हैं और जो भी आप फोटोज़ को हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखते हैं आप फोटोज़ को कैसे हाइड करेंगे। कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है कुछ इस तरीके से, प्राइवेट फ़ोटोज़ को थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोटो कर देना और फोटोज़ वगैरह आपके फ़ोन में हाइड हो जाएंगी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ को हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं फ़ोन में एंड आप चाहें तो वीडियोज़ को भी हाइड कर सकते हैं। वीडियोज़ पर जाकर कोई वीडियो आप सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, सॉरी बैक करना है हमें, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोटो करते हैं तो आपकी वीडियोस वगैरह भी आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगी और छिप जाएगी, जो आपके फाइल्स पे शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से फोटोज़ एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं आप, छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शन में और छिपा भी सकते हैं। तो आपको जैसे शो करना है तो सेव फोल्डर पर जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ से फोटो वीडियो शो हो जाते हैं, जिनको आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।